बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत बघौनी पंचायत में फाजिलपुर गांव में वार्ड नंबर 9 और 10 के डीलर के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा था। हालांकि सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि मुफ्त में राशन दिया जाएगा, उसमें 500 ग्राम काटकर दिया जा रहा था, जबकि महीने का राशन जो मिलता है उसमें भी 500 ग्राम काटकर दिया जा रहा था। इसी बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये खबर मिलते ही वहां से सीओ के द्वारा जांच की गई और आप अपने सामने सभी को वो 5 केजी जो राशन जो है खुद बंटवाए। इसी बीच गांव के लोगों ने ये तय किया कि 176 वंचित परिवार जो है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को हमारे गांव के कार्डधारी के आपसी सहयोग से इसको पूरा किया जाएगा और उनका चूल्हा जल सकेगा। ये बहुत बड़ी कदम है दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। कितना आदमी है देखिए ना पहले। दीजिए इसको प्रति महीना का 8x16 की जो गेहूँ मिलेगा और 8x24 किलो चावल और उसका पैसा जोड़ के दो 24x72 रुपया हो गया चावल का तुम्हारा और 8x16 रुपया हो गया गेहूँ का। और 8x40 किलो फ्री में मिलेगा, बोरा लाया ना तीन जी तीनों बोरा मिलेगा। ये जो सरकार की तरफ से जो अभी मतलब फ्री वाला राशन प्रधानमंत्री जी अन्य योजना वाला जो है जी जी वो हम प्रति यूनिट 5 केजी फ्री देना है जी। जैसे इनके घर में 8 आदमी है जी तो 8x40 केजी फ्री मिलेगा इसको जी। मिस कर देगा सिर्फ एक चीज, अरे अलग देगा 40 केजी सिर्फ चावल, 40 किलो जो है सिर्फ चावल है या गेहूं दोनों? सिर्फ चावल। गेहूं का पैसा लगेगा 8 आदमी है तो 16 रुपया गेहूं का लगेगा, 8x16 केजी मैंने 1 यूनिट में 2 केजी गेहूँ देना है, 3 केजी चावल। चावल प्रति केजी 3 रुपये है, 3 9 रुपये का चावल हो गया और 3 2 4 रुपये का गेहूं हो गया, 9 4 13 रुपया हो गया। तो सर अभी आप जो निकले हैं ये मतलब डीलर के यहाँ छानबीन में निकले हैं कि कैसे कौन वितरण कर रहा है? मैंने मैं सब डीलर जो है मेरे अंडर में है जी, जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे इनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है जी। इसलिए मेरी कमेटी का हम मैंने बड़ी सदस्य है जी जी, तो उसमें एक सबका निरीक्षण में बंटवाना है सही सही मात्रा जी और सही दाम पर जी। 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 नया ज्यादा नहीं और 1 दाना कम नहीं जी जी, यह श्योर हो जाना चाहिए। अच्छा सर, जिनको कार्ड मिला हुआ है उनको तो राशन मिलेगा और जिनको कार्ड नहीं है उनका क्या होगा सर? सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर से इस संबंध में काम कर रही है जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, बाकी जो परिवार है वो भूखा रहे अगर 5 लोगों की वजह से तो बघौनी में भूखे मरे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कुछ लोग चाहते हैं कि परिवार जनता को दिक्कत नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि परिवार बगल में भूखा मरे तो मन घर भर लीजिए। ये लोग चाह रहे हैं कि भूखा मरे। कुछ खास नहीं है, बात हुआ था का पड़ोसी खास नहीं है। वो सुनिए ना, काम करेगा कि नहीं करेगा, सर साहब फंड आया कि नहीं आया, उसी में सब उसी में जाके बोले ना सर, प्रेस रिपोर्ट है बोले ना। और साथ बाबू जरा मशीन भी सेट है, मशीन वो प्लग मशीन सेट है, राशन का मशीन सेट है। मतलब 200 ग्राम का बोरा लेके 100 ग्राम का मतलब टोटल 300 ग्राम का, 300 ग्राम का। अभी कौन था गड़बड़ी, इसमें गड़बड़ी नहीं कहा था, असली कौन है? वो तो दूसरा ग्रामीण दिखाया इसको सर, देखिए इसको चेक कीजिए, चेक कीजिए सर इसको, आप अपने से चेक का ही सर को सर को रखो जी, रखो इसको, इस पर देखिए, उस पर देखिए, दोनों पर रख के दिखाइए कितना। नाम? मेरा नाम इकबाल फिरोज हुआ जी, लोजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष हुए अल्पसंख्यक सेल से जी। यहाँ हम लोग खबर मिली थी कि दाना जो है 4.5 किलो के हिसाब से मिल रहा है लोगों को जी, तो हम लोगों ने यहाँ आया तो मालूम चला कि बात की हम लोगों ने डीलर साहब से, तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि इसमें जो है 0.5 किलो पर यूनिट के हिसाब से काट के दिया जाए ताकि हम लोग जो है और लोग को गांव में दाना हमारे यहाँ पहुँचाया जाए ताकि हम लोग जो है गांव में बांट सके अपने हिसाब से जो भी मामला है इस तरह का। तो हम लोगों ने सर से जो है सीओ साहब उनको यहाँ बुलाया गया तो उन्होंने आदेश यहाँ दिया इस तरह का
जो दाना सरकार का ऑर्डर है उसको उतना बटा जाए, तो उसी का पालन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये जानकारी मिली कि यहाँ पे 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है पर आदमी को, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, तो ग्रामीण द्वारा मालूम चला है हम लोग को, हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया है, बात किया है डायरेक्ट उन लोगों से, कंज्यूमर लोग से, तो उन्होंने बोला है कार्ड किया है जी। तो अब क्या ये दाना पूरा 5 किलो मिलेगा? हाँ सरकार तो ऑर्डर हुआ है इस पे कि 5 किलो पूरा मिलना है दाना। चलिए ठीक ठीक।